नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें एजेएल की प्रॉपर्टी 661.69 करोड़ बताई जा रही है। वहीं यंग इंडिया की 90.21 करोड़ की संपत्ति इक्विटी शेयर के रूप में चल रही है। इस कार्रवाई से कांग्रेस खासा नाराज हो गई है और उसे आगामी चुनाव से जोड़ने का काम कर दिया गया है। वैसे ईडी ने अपने इस एक्शन के बारे में एक्स प्लेटफॉर्म पर विस्तार से बताया है। कहा गया है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी दोनों ही कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा कमाया है। इसी वजह से जांच एजेंसी ने एजेएल की मुंबई दिल्ली वाली कई प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया है। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को हार का डर है, इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड वाला मामला इसलिए ज्यादा बड़ा बन जाता है क्योंकि इसके साथ सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी का नाम भी जुड़ा है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की थी। यही नहीं, दिल्ली में हेराल्ड हाउस भवन में यंग इंडियन कार्यालय को सील कर दिया गया था। कार्यालय के बाहर रखे गए आदेश में लिखा गया कि एजेंसी से पूर्व अनुमति के बिना परिसर नहीं खोला जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी के साथ एक दिन बाद यह कार्रवाई की थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर मापदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया। गौरतलब है कि केस की बात करें तो भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है। साजिश के तहत एंग इंडियन लिमिटेड को TJL की कंपनी का संपत्ति का अधिकार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।